सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो सब्सक्राइब किया तभी मैं 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाया। इसलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जो बोला था कि यूट्यूब पर मैं लाइव आने वाला हूँ, ये जो लाइव वीडियो है वो एक दो दिन में आने वाला है, ठीक है। मैं मेंशन जरूर करूंगा आपको मैं कब आने वाला हूँ। एक दो दिन में लाइव में आने वाला यूट्यूब पे, और मैं डेट टाइम आपको सब कुछ मेंशन कर दूंगा। यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में मेंशन करूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और फिर से आपको मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना ताकि और भी अच्छा अच्छा ट्यूटर आप सभी के लिए लेके आ पाओ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, सभी मेडल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एलाइट मिशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है तो जो XML है वो इंपोर्ट नहीं होगा। और अगर आपको ये वाला एलाइट मिशन ऐप चाहिए, मेरे टेलीग्राम पे जाना, पिन क्या हुआ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों XML को एलाइट मिशन में इंपोर्ट करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट पे जाना है। जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है सिंपल से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सॉन्ग है वो डिलीट हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, सिंपल से आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटो का लेयर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको इस तरीके से इमेज मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आपको जो भी इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है, इन दोनों लेयर को आपको सेम फोटोज़ ऐड करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम फोटोज़ ऐड करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे वाले लेयर पे भी क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है, इस तरीके से आप देख सकते हो। इस पे भी आपको यहाँ पे सेम इमेज ऐड करना है जो आपने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। दो लेयर पे जो आपने इमेज ऐड किया था, इन सेम इमेज को आपको इन दोनों लेयर पे भी ऐड करना है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। अगर आपको ये सभी इमेजेस चाहिए प्लीज़ टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको इजीली मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आपको यहाँ पे सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और एक कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टेटस कैसा लगा, ठीक है। और बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ, बहुत जल्दी क्या एक दो दिन में आने वाला हूँ, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड करके दिखा रहा हूँ, सेम आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एंडिंग पॉइंट तक इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से आपको इमेजेस को पूरा एंडिंग पॉइंट तक ऐड कर लेना है बिटमार्क के हिसाब से। उसके बाद आपको सिंपल से ऐसा बैक आना है, बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है शेक इफेक्ट पर जाना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑन इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। अब ये मत बोलना कि इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल पे इफेक्ट दिया है इसलिए आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट वन पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। सिंपल से आपको ऐसे बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, फिर से एरो पे क्लिक करना है, ये जो डबल लेयर है इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाना है 11.09 सेकंड पे, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नेक्स्ट इमेज है इसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। इस इमेज को आपको यहाँ पे छोड़ देना है, नेक्स्ट इमेज पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर से नेक्स्ट इमेज छोड़ देना है। आपको एक इमेज छोड़ छोड़ के पूरा एंड तक कंप्लीट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, फिर से शेक इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट टू दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, दोनों सीसी को इस तरीके से होल्ड करके सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है। यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पर जाना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, ऊपर जो प्लस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, पेस्ट टू लेयर कर देना है, और दोनों सीसी को पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके चले जाना है, ठीक है, पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। उसके बाद आपने क्या किया था, जो इमेज आपने मिस किया था इस पॉइंट से
ठीक है। 11.29 सेकंड आपने जो इमेज मिस किया था सभी इमेज पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, एक इमेज छोड़ देना है, नेक्स्ट इमेज पे जाना है, इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरीके से पूरा आपको एंडिंग पॉइंट तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा एंडिंग पॉइंट आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं बताया, ठीक है। इस तरीके से आप अपने स्टेटस को कंप्लीट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और फिर से आप सभी को और एक बार दिल से शुक्रिया, ताकि और भी अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल आप सभी के लिए ला पाऊँ, और इसी तरह सपोर्ट करते रहना ताकि जल्दी से जल्दी 100K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।